कोरोना महामारी के काल में न रखना किसी से बैर, एक दूसरे की सहायता करते हुए परम पिता परमात्मा से मांगना सबकी खैर। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। बीती शाम को मिले आंकड़ों के अनुसार 818 मरीजों के ठीक होने व 494 नए मरीजों के मिलने के बाद भिवानी जिले में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या 1893 हो गई है। इस बारे में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में कुल संक्रमित 20,672 मरीजों में से 18,287 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे अब कमजोर पड़ना शुरू हो चुका है। खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार भिवानी में 818 मरीजों के ठीक होने और 494 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1,893 हो गई। गौरतलब है कि जिले में 20,672 लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 18,287 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक करने व दुकानों को ओड इवन नंबर के आधार पर खोलने को लागू करने के लिए भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल ने सोमवार को बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की जानकारी प्रदान की। भिवानी SDM संदीप अग्रवाल ने आज भिवानी के मुख्य बाजारों का दौरा किया और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक खुले बाजार को ओड और इवन के हिसाब से खोलना सुनिश्चित किया। उन्होंने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का किया गया है। इसी के जिला प्रशासन दुकानों को नंबर दे रहे हैं। इन दुकानों का ओड और इवन के हिसाब से नंबरिंग डाली जा रही है। आज सभी बाजारों की सभी दुकानों को नंबर दे दिए गए। आज 24 तारीख को 2 नंबर की दुकानें खोली गई, जबकि कल 25 तारीख को ओड नंबर की दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि सरकार ने जो बाजार खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन आम नागरिक अपना ध्यान रखें और आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि कोरोना की लहर अभी भी जारी है और सभी आम नागरिक अपना ख्याल रखें। उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की कि सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें और 12 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएं। कि मार्केट जो ओपन होगी वो 50% करवानी है सुबह 7 से 12, और उसमें ओड इवन फार्मूला को फॉलो किया जा रहा है, जिसलिए अब हम हर दुकान के हर बाजार जो है उसमें सभी दुकानों को नंबरिंग दे रहे हैं। ओड एंड इवन 1-2-1-2 कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम दुकान फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आज इवन डेट है तो हम इवन वाले नंबर को ही अलाउ कर रहे हैं कि वो खुले, और दूसरी दुकान यदि खुली भी पाई गई तो आज उनको बंद करवा देंगे। और इस तरह से एकदम स्मूथली चल रहा है ओड इवन का फार्मूला, जिससे कि जो सरकार के आदेश की पालना की जा रही है। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? आम जनता से यही अपील है कि बाज़ार तो खुल रहा है, हम मानते हैं कि सरकार ने खोला है, लेकिन फिर भी आप जब भी बाज़ार आएँ, जब भी घर से बाहर निकलें, जब बहुत ही कोई आवश्यकता की चीज़ चाहिए हो, क्योंकि अभी भी कोविड का पूरा दौर चल रहा है और हम सभी को अपने प्रिकॉशन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना है और मास्क जरूर लगाएं। और आजकल तो डबल मास्क के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं, और बार बार अपने हाथ भी धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे, बहुत ही अवश्य हो तो बाज़ार आएँ, अन्यथा नहीं आएँ, यही मेरी सबसे गुजारिश है। और दुकानदारों से भी ये ऑप्शन मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार ने जरूर खोला है कि 7 से 12 खोला जाए, तो जो टाइमिंग है उसको भी फॉलो करें। ये ना सोचे कि 12 है तो थोड़ा और लेट कर दें, ऐसा ना करें। साथ में वो ये अभी थोड़े दिन और थोड़ा सा ये सोचें कि हमें सरकार की बातों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बीती शाम जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए सरकार द्वारा बाजार को खोलने के आदेश जारी करने की जानकारी प्रदान की। वहीं उन्होंने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस व COVID-19 के नियमों का पालन करने की सलाह दी। हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को आगामी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान अब तक लॉकडाउन में लगे सभी नियम लागू रहेंगे। आम जनता की सुविधा को देखते हुए इस बार सरकार द्वारा दुकानों को ऑड और इवन के आधार पर खोलने का निर्णय लिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि मार्केट एसोसिएशन की बैठक के बाद सभी की सर्वसम्मति से ऑड इवन के फार्मूला पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानों में सभी दुकानदार लॉकडाउन के सभी नियमों, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था आदि का पालन करेंगे। इन नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन भिवानी ने जो लॉकडाउन है, जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 24 तारीख से ये 5 बजे सुबह से इन्फोर्समेंट में आएगा, और 31 तारीख को
31 मई को शाम सुबह 5 बजे तक रहेगा, जिसमें जो स्टैंड लोन दुकान है वो कर्फ्यू जब नहीं होगा उससे पहले खुली रहेंगी, यानी कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक स्टैंड लोन दुकान खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो मेडिकल शॉप्स हैं, राशन और एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, ये भी सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी। और जो बाजार्स हैं उनमें ओड और ईवन नंबर के हिसाब से दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें जो सेक्रेटरी और ईओ म्यूनिसिपल कमेटीज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं उन्होंने सभी बाज़ारों में 1 नंबर और 2 नंबर दुकानों को दिया है। शहर के किसी बाज़ार के किसी भी कोने में जाके 1 नंबर शुरू किया जाता है, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर इस टाइप से ईवन और ओड का ये फार्मूला है। जैसे आज 24 तारीख है तो 2 नंबर की दुकानें ईवन नंबर की दुकानें खुली रहेंगी, कल 25 तारीख है तो 1 नंबर की दुकान ओड नंबर की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये क्रम 31 मई तक चलेगा और इसकी इन्फोर्समेंट के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भिवानी, सब डिविजन मजिस्ट्रेट भिवानी और सभी तहसीलदार BDOs को हिदायत दे दी गई हैं कि इसको पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सर क्या नाम, लॉकडाउन अभी खुल चुका है, 7 बजे से 12 की मार्केट खुलेगी तो उसमें संक्रमण बढ़ने के चांस ज़्यादा नहीं है सर? क्या इसमें क्या नाम, कोविड में जैसे लापरवाह बंदे भी आएंगे सर तो उससे संक्रमण ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे सर? यह हरियाणा सरकार का डिसीजन है कि बाज़ार के अंदर ईवन रोड के हिसाब से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी और जो स्टैंड ऑल दुकान हैं वो कर्फ्यू के टाइम से पहले खुलेंगी, और एसेंशियल कम्युनिटीज और मेडिकल शॉप्स और सब्जियों की दुकान हैं वो। कोरोना महामारी का सामना करने व जिले में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु दर को कम करने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को 225 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए सिलेंडर्स को सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में भेजा जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कोरोना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की अपनी मुहिम एक बार फिर से शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत सांसद द्वारा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 45 किलोग्राम ऑक्सीजन वाले 225 सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। ये सभी सिलेंडर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध रहेंगे। इनके आवंटन की जिम्मेदारी सामाजिक संस्था धर्म सेना को दी गई है, जो कि संबंधित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा निर्देश पर काम करेगी। सांसद ने बताया कि धर्म सेना के कार्यकर्ता जहां जहां ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होगी वहां प्रत्येक गरीब आदमी को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया करवाएंगे। ग्रामीण इलाकों में PHC, CHC और प्रशासन द्वारा जहां भी गांव में क्लस्टर बनाए हुए हैं वहां पर यह ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑक्सीजन के सिलेंडर विधिवत रूप से जरूरतमंद लोगों को भेजने से पहले उन्होंने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे बचाव के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कहा कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत हो वे धर्म सेना के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने पैसा दिया है पंचायतों को और कमेटियों को, ये सही बात है कि हम इस एक साल में अचानक हमने बिल्कुल ओपन कर दिया, आम आदमी का भय निकल गया जिसकी वजह से बीमारी तेजी से फैली। अब तो हमने इसी के सहारे जीना पड़ेगा। डिस्टेंस, मास्क, ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी फंगस है ये नाक और गले से जारी है, नाक के थ्रू आँख में और दिमाग में जारी है, इसलिए सुबह शाम 3 बार नाक को साफ करो, गले को तड़वा से भी साफ करो, क्योंकि ये फंगस आप फ्रूट में सब्जियों में देखते हो कि वही तो फंगस है, और इसको कहीं जमने मत दो, सुबह शाम दो बार जरूर साफ करो ताकि फंगस जमे ना, फंगस बढ़े ना।
दादरी जिले के निकटवर्ती गांव सांद्रवास के ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त राजेश जोगपाल को ट्वीट करते हुए दवाइयों के अभाव की जानकारी प्रदान की, जिसके तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग टीम ने गांव में पहुंचकर कोरोना के मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई। यह कहना है सांद्रवास के ग्रामीण। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव सांद्रवास में 10-15 दिन से कोरोना पॉजिटिव को दवाई उपलब्ध नहीं हो रही थी, जिस वजह से गाँव सांद्रवास ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल को ट्वीट किया। ट्वीट पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने उनसे फोन पर बात की, साथ ही ट्वीट का जवाब भी दिया। अगले दिन सुबह ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सांजरवास पहुंची और कोरोना पेशेंट्स को कोरोना दवाई की किट उपलब्ध कराई गई, साथ ही कोरोना पॉजिटिव की जांच की गई और बीमार बुखार वाले व्यक्तियों को इस टीम द्वारा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। सांजरवास के निवासियों ने चरखी दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल का तहे दिल से धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिला उपायुक्त से शिकायत करने पर यह कार्रवाई की गई थी। बीती शाम हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के बाद भिवानी स्थित सीएसडी कैंटीन को बंद रखने का किया गया फैसला। यह कहना है कैंटीन के प्रबंधक रिटायर्ड कर्नल सूरज बलौदा का। वहीं उन्होंने बताया कि 31 मई के बाद सीमित संख्या में ही पूर्व सैनिकों को ग्रोसरी का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ ही सीएसडी कैंटीन भी 31 मई तक बंद रहेगी। 1 जून को कैंटीन खोली जाएगी, जिसके लिए 31 मई को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी कैंटीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीएसडी भिवानी के प्रबंधक ने बताया कि लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही 31 मई तक कैंटीन बंद रखने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद जब 1 जून को कैंटीन खुलेगी तो शराब के लिए 150 और ग्रोसरी के लिए 100 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिसके लिए 31 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और 2 बजे से 4 बजे तक कैंटीन के नंबर्स पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष की आयु से अधिक किसी भी महिला या पुरुष को या किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को कैंटीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैंटीन में केवल कार्ड से ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा और किसी भी सूरत में नगद भुगतान भी स्वीकार नहीं होगा। कैंटीन भिवानी को 31 मई 2021 तक लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ हरियाणा सरकार के नियमों को का पालन करते हुए बंद रखने का निर्णय मुख्यालय द्वारा लिया गया है। सभी कैंटीन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि वह 31 मई 2021 तक घर पर ही रहें और कैंटीन में न आए। 1 जून 2021 को जब कैंटीन खुलेगी तो सभी कैंटीन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन दिए गए मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही कैंटीन आए, अन्यथा आपको कैंटीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ साथ सभी ग्राहकों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कोविड 19 से संबंधित सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। दूसरी बात, भुगतान कार्ड द्वारा ही मान्य होगा। कोई नगद में बिलिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या महिला या किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति स्वयं कैंटीन आने का कष्ट न करें और वह अपने किसी भी आश्रित को उसकी आईडी या पहचान पत्र और अथॉरिटी लेटर देकर शराब या सामान लेने। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे कैंटीन का लैंडलाइन नंबर 016-64-29-72-95, फिर से बताता हूँ, 016-64-29-72-95 और मोबाइल नंबर है 9588-799-840 9588-799-840। इन दो नंबरों के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का समय सुबह कैंटीन खुलने के साथ साथ 9 बजे से लेके दोपहर लंच टाइम 1 बजे तक और लंच ब्रेक के बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन का समय रहेगा। लगभग एक दिन में लिकर के 150 आदमी और ग्रोसरी के 100 आदमियों का ही बुकिंग किया जाएगा। केवल वही व्यक्ति कैंटीन में आए और बाकी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है वो कैंटीन में ना आए। अननेसेसरी बेवजह स्टाफ के साथ झगड़ा करने से मैनेजर को हर आदमी मिलने की कोशिश करेगा बेवजह, तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे और
अनुशासन भंग होने पर आवश्यक सहायता न मिली तो कैंटीन को फिर दोबारा बंद भी किया जा सकता है। इसलिए कृपया सहयोग करें और अपना समय पर रजिस्ट्रेशन करवा करें। केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए फैसले के उपरांत व हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आदेशानुसार 10+2 की परीक्षा होगी MCQ पर आधारित। यह कहना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी महीने में 10+2 की परीक्षा का समय 1.5 घंटे का होगा और विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र भी उन्हीं के स्कूल में होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कोविड महामारी की परिस्थिति ध्यान में करते हुए 12वीं की परीक्षाएं किस प्रकार ली जाएं इस पर चर्चा करने हेतु आज एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं बोर्ड चेयरमैनों को आमंत्रित किया गया था। उसमें दो प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, एक मेन सब्जेक्ट की परीक्षा ले ली जाए, लेकिन उसके लिए CBSE ने बताया कि 3 महीने का ये प्रोसेस है, और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप 1.5 घंटे की परीक्षा विद्यार्थियों के ही स्कूल से ले ली जाए और जो विद्यार्थी रह गए हैं उनकी परीक्षा दोबारा से ले ली जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने आज हरियाणा की जब बारी आई तो उस समय बताते हुए उन्होंने कहा कि हम दूसरी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र लिया जाएगा और विद्यार्थियों को उन्हीं के अपने स्कूल के परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।